हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाली हूँ ये अपना बारबी का वीडियो है, मतलब कि ये बारबी डॉल है इसके अंदर। और मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। काफ़ी सुंदर बारबी डॉल है गाइस, बहुत अच्छी है। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी है फैशन का, फैशन इसके कंपनी का नेम है। चार्म इज इन वाइट पे लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल। तो गाइस मैं बोलूँ तो इस जो डॉल है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको डॉल दिखाती हूँ। तो यही है गाइस, आप देख सकते हो कितनी सुंदर बारबी डॉल है। इसने ब्लू कलर का ग्लिटरी टाइप का एक क्लोथ पहना हुआ है, एक टॉप पहनी हुई है, नीचे स्कर्ट पहना हुआ है और काफ़ी अच्छी सी सैंडल्स पहनी हुई है पिंक कलर की। और यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा हुआ मिल जाता है। तो चलिए गाइस इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर भी कंपनी का नेम लिखा हुआ है, यहीं से आपको अनबॉक्स करना है इसे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, तो इसे अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप करके इस डॉल को यहाँ से गाइस इस तरीके से निकाल लेंगे। गाइस आप देख सकते हो डॉल निकल चुकी है और डॉल कितनी क्यूट लगी। इसको हम लोग साइड कर देते हैं गाइस, और आप देख सकते हैं ये डॉल है जो कि काफ़ी सुंदर सी लग रही है। और यहाँ पे इसे इस तरह से लगाया गया है कि ये निकले नहीं और गिरे नहीं और सही तरह से एक जगह खड़ी रहे, इसीलिए। तो हम लोग इसे पीछे से खोल लेते हैं गाइस। ठीक है, इस तरीके से हम इसे खोल लेना है, ये खुल जाएगा। और इस तरीके से आप इसे अंदर की तरफ कर दीजिए तो ये निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं, और इसके लेग्स को भी ना हल्का वो किया गया है कि इसके लेग्स भी इधर उधर हिले नहीं, तो हल्का आप देख सकते हो डॉल को। उप्स, ऐसे डॉल निकल गई है। और यहाँ पे इसका बेल्ट लगा हुआ है तो इसे हम निकाल लेते हैं। और डॉल काफ़ी क्यूट है गाइस, आप देख सकते हो डॉल बहुत सुंदर है गाइस। डॉल की आइज़ और भी काफ़ी अच्छी है और इसकी आउटफिट भी बहुत सुंदर है। और इसने ये सैंडल पहनी हुई है तो ये और भी अच्छी लगती है। इसकी कुछ मैं फ़ोटोज़ आपको लगाकर दिखा दूँगी। और इसने एक बहुत प्यारा सा नेकलेस पहना हुआ है, मतलब कि हार पहनी हुई है। इसकी हेयर्स की बात की जाए तो इसकी हेयर्स ब्राउनी और पर्पल टाइप के हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और कर्ली कर्ली हैं तो और भी सुंदर लग रहे हैं। सबसे खास बात की जाए गाइस तो इसके जो हैंड्स और लेग्स हैं और तो वो सब मूवमेंट करते हैं, मतलब कि पोर्टेबल है, देख सकते हो आप। इसे हिला डुला सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हो। आप देखिए, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं इसके साथ। और इसका लेग को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसके लेग को, इसका सब कुछ, मतलब कि हैंड वगैरह हिलता डुलता है और काफ़ी अच्छा है गाइस। आपको ये कैसा लगा डॉल आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, कैसा है ज़रूर गाइस बताइएगा। इसकी कुछ मैं फ़ोटोज़ आपको लगा के दिखा दूँगी कि ये कैसे, देख सकती हो ये बैठ भी सकती है गाइस, ये मैंने आपको बताना भूल गया, बैठ भी सकती है और काफ़ी सुंदर लगती है गाइस। और मैंने इसका नाम भी रखा है, मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाम है सोफिया। आपको कैसा लगा इसका नेम कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। होप अगर आपको मेरा वीडियो और चैनल दोनों पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।